Assalam-ul-Alikum friends, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मोना नाज। मैं आपके लिए एक न्यू रेमेडी लाई हूँ। आज का सफेद बालों का मसला बहुत आम होता जा रहा है और खासकर टीन एज पे। सफेद बाल होने की सबसे बड़ी वजह हार्ट शैम्पू स्प्रे और जेल और विटामिन की कमी की वजह से भी ये बाल सफेद करता है। ये मसला मेरे बेटे के साथ भी हुआ था। मेरे बेटे के बाल तेज़ी से वाइट हो रहे थे। जब मैंने ये रेमेडी उस पर अप्लाई की तो उसके अब हेयर फॉल रुक गया, उसके बाल जो वाइट हो रहे थे वो भी रुक गए और उसके बाल बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगे। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमको चाहिए आमला पाउडर, सरसों का तेल। इस सरसों के तेल को मस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है। आमला पाउडर न तो पाउडर की शेप में लिए हकीम की दुकान पे या बड़े स्टोर्स में मिल जाएगा। ये इस तरह पाउडर इसका कर लें आप। और ये एक से डेढ़ चम्मच आमला पाउडर और आधा प्याली मस्टर्ड ऑयल। अब हम इनको किस तरह बनाएंगे ये आप मैं आपको बताती हूँ। ये आधा कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल मैं इसको पहले पैन में डाल के गर्म करूँगी। ये जब गरम हो जाएगा तो उसमें हम ये एक से डेढ़ चम्मच आमला पाउडर ऐड करेंगे। ये देखें गरम हो रहा है। ये अब जो आमला पाउडर है ये एक से डेढ़ चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल के अंदर मैंने, और धीमी आंच पे इसको पकाना है क्योंकि धीमी आंच पे हम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि ये ऑयल और ये आमला पाउडर सब काला होने लगे। अभी देखें ये ब्राउन है, जब इस शक्ल काले उसमें काला काला होने लगे ऑयल तो हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। देखें हल्के की शक्ल चेंज होती जा रही है, ये हल्का का ब्राउन से ब्लैक शेड में आता है। इसको 10 मिनट तक हम इसी तरह पकाएंगे, हल्का चमचे इसमें चलाते जाएंगे। अब ये अच्छी तरह पूरा जल चुका है, ये देखें इसका मैंने 10 मिनट तक इसको पकाया है और ये पूरा इसकी शक्ल ब्राउन से ब्लैक हो गई। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट करूँगी। अब मैं ये बाउल में इस तरह इसको मैंने ये ऑयल को पलट दिया है। ये देखें ये शेप, ये देखें इसकी शक्ल इस तरह चेंज हो गई है, ये आप देख सकते हैं ये देखें। और इसको छानना बिल्कुल नहीं है, इसको इसी तरह जो इसके आमला के दाने आ रहे हैं इसको रूट्स के अंदर मसाज करना है हफ्ते में 2 से 3 बार। 3 बार करने से अच्छी तरह मसाज कर उसका भी बच्चे को शैम्पू का यूज़ कर। मैं आपको शैम्पू का भी तरीका बताऊंगी कि हार्ड शैम्पू किस तरह आप लाइट करके यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर आप हफ्ते में 3 से 4 बार मसाज करें रूट्स के अंदर, इससे बाल बहुत अच्छे ग्रोथ होंगे और काल जो सफ़ेद हो गए बाल वो रोकेगा, काले करेगा। और ये ऑयल 30 के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, 30 के बाद बाल वाइट होने शुरू होते हैं। तो उन ख़वातीन हज़रात जो यूज़ करेंगे तो उससे उनके बाल वाइट नहीं होंगे। ये मैंने आपको बनाया, इसको किसी बॉटल में ठंडा करके भर लें। ये मैंने बना के रखा है, अपने बेटे को मैं यूज़ कराती हूँ इसका। ये देखिए मसाज करवाती हूँ, ये देखें ये इसका ठंडा होने का ये। और जब भी यूज़ करें इसको शेक करके करें ताकि ये इसके जितने आमले के दाने हैं वो आपके रूट्स में अच्छे से रब हो। हल्के हाथ से आप रब करेंगे, ये इस तरह ठंडा करके आप जब इसमें शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके लिए बन जाएगा। एक हफ्ते या जितना भी आप बना सकते हैं बना के रख लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर जो बाल अब वाइट हो चुके हैं वो तो अब सफ़ेद हो नहीं सकते, और जो एक्स्ट्रा उगेंगे वो नहीं उग पाएंगे। चलें आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe this channel and press the bell icon and like, comment, share this video.